में किसी को हम अपने बेडरूम में उठता हुआ देखते हैं और वो अपने साथ किसी लड़की को सोते हुए देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी का मेन लीड जिसका नाम किन में, वो अपने एकेडमी के फ्रेंड्स के साथ बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहा होता है एक पब में। क्या एकेडमी के फ्रेंड्स जाने के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड वोन वहाँ पर आता है जो उसे संभालता है, बट इतने में स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नामकरण मैं बिल्ली कर रही हूँ। बिल्ली के हाव भाव से हमें साफ पता लगता है कि वो किम में थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। इसलिए किम को बिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो उसके एकेडमी में उसका साथ पढ़ रही होती है, इसलिए वो उससे जस्ट नॉर्मल बात कर रहा होता है। किम तो बहुत ड्रंक हो जाता है और वो अपने घर आते ही फर्श पे सो जाता है एंड उसको देखकर बिल्ली एकदम से मुस्कुराने लग जाती है, उसको निहारने लग जाती है। और इतनी रात हो गई थी, ऑब्वियसली बिल्ली अब इतनी रात को अपने घर कैसे जाती, इसलिए वो भी किम के घर रुक जाती है एंड वहाँ पर वॉन भी होता है। यहाँ बातों बातों में बिल्ली वॉन से किम की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है कि मैंने लोगों से सुना है कि उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और वो इतनी सुंदर भी नहीं दिखती। बट ये सब सुनकर वॉन बिल्ली को चुप करा देता है कि यहाँ पे बैठ के शांति से ड्रिंक कर ले या फिर यहाँ से निकल जा। नेक्स्ट मॉर्निंग किम बहुत शॉकली उठता है और ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बेचारे किम को यहाँ अलग लेवल की टेंशन हो रही थी, कहीं रात में उसने कोई लिमिट क्रॉस तो नहीं कर दी, बट वो इस बात से एकदम अश्योर हो जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ रात को। बट इतने में वहाँ पे फीमेल लीड सारंग जो कि किम की गर्लफ्रेंड है उसकी एंट्री हो जाती है और वो ये सब देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और किम को अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर उसकी हालत एकदम से टाइट हो जाती है। किम की गर्लफ्रेंड कुछ बोलती है बट इतने में वहाँ पर वॉन आ जाता है और सारी सिचुएशन संभाल कर उस बिल्ली को वहाँ से एकदम से जाने के लिए बोलते हैं कि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। किम बहुत हैरान हो जाता है कि इतना कुछ हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड सारंग ने उससे कुछ नहीं पूछा, जिस पर सारंग उसको बोलते हैं कि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है। एक्चुअली सारंग और किम 4 साल से रिलेशनशिप में है। किम अपनी अकेडमी का प्रेजिडेंट बनने वाला होता है इसलिए वो बहुत ही बिजी होता है, इसलिए सारंग किम से बहुत कम टाइम के लिए मिल पाती होती है। स्टिल सारंग किम पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करती है और ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होना दिखाती है, लाइक दिखाती नहीं है भी है। देन दोनों हैप्पीली साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके जाने के बाद यहाँ किम अपने बेस्ट फ्रेंड वॉन को काफ़ी थैंक यू बोल रहा होता है और बोल रहा होता है थैंक गॉड तूने आज वाली सिचुएशन से मेरे को बचा लिया कि चल मैं तेरे को इवनिंग में ड्रिंक पिलाऊंगा। एक्चुअली सारंग को तो ये लग रहा था ना कि किम उस बिल्ली के साथ अकेला नहीं था, उसके साथ वॉन भी था, बट इन रियलिटी वॉन नहीं था। हमें पता लगता है वॉन किम और सारंग का कॉमन फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों था। एंड वो जाते जाते किम को बोल जाता है कि तू बिल्ली से थोड़ा दूरियां बना के रख। यहाँ सारंग अपनी फ्रेंड यून के सामने काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी बिकॉज किम हमेशा प्रेजेंट बनने के चक्कर में इतना बिजी रहता था कि वो रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाता था और इस वजह से सारंग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी थी। एंड यून उसे हमेशा समझाती थी कि तू किम जैसे बंदे के पीछे क्यों पड़ी है, तू इतनी अच्छी है तो उसको छोड़ ना, किसी और को ढूंढ ले। लास्ट यून सारंग को एक अच्छी सी प्लेस दिखाकर वहाँ पर उसके साथ चलकर ड्रिंक करने को बोलती है और दोनों हंसती खेलती वहाँ चली जाती हैं। लिटरली उस जगह आकर सारंग का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है और इस बात के लिए वो यून को थैंक यू करती है। अब इतनी खुशी सारंग के फेस में टिकने थोड़ी ना वाली थी, इतने में वहाँ पर उस बिल्ली की एंट्री होती है जो थोड़े नशे में होती है और वो आकर सारंग के टेबल पे बैठ जाती है और बड़ी बदतमीजी से उससे बात करने लग जाती है। बदतमीजी नहीं बट स्टिल थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल ढंग से कि अच्छा कि आप किम की गर्लफ्रेंड हो, आपकी एज क्या है, आप सुंदर भी नहीं हो, आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती, मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लाइक किम को मेरे पास होना चाहिए, लाइक इनडायरेक्ट वे से उसको वो बातें सुना रही होती है सारंग को। सारंग को एक्चुअल में उस बिल्ली की बातें सुनकर बुरा लग रहा होता है बिकॉज वो एक्चुअल में किम से 2 साल बड़ी होती है और इससे ज़्यादा उसे बुरा तब लगता है जब उस बिल्ली के फ़ोन पर किम का कॉल आता है जिसने उसको ये बोला था कि उसकी आज मीटिंग है एकेडमी वालों के साथ, बट स्टिल उसका कॉल बिल्ली के फ़ोन पर आ रहा होता है। ये देखकर सारंग एकदम से गुस्से से होकर हर्ट होकर वहाँ से जाने लग जाती है एंड किम उसे रोकने लग जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि प्लीज़ अभी मैं ऐसा करता हूँ, बिल्ली को छोड़ आता हूँ, मैं आकर तेरे को सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगा। बट सारंग को और गुस्सा चढ़ जाता है कि इस सिचुएशन में भी तेरे को उस बिल्ली की टेंशन पड़ी हुई है। किम सारंग को सारी सिचुएशन बताता है, एक्चुअली बिल्ली मेरी एकेडमी से थी और इसकी फ्रेंड की लड़ाई हो गई थी बार में किसी के साथ, इसीलिए मेरी सारी एकेडमी वालों को यहाँ पर उस लड़ाई को रुकवाने आना पड़ा। जिसको सुनकर तो सारंग को और गुस्सा आ जाता है, तूने क्या ठेका लेके रखा है या फिर तू एक गुंडागर्दी करता है कि तेरे को क्यों करना पड़ता है। यहाँ किम को भी हल्का सा गुस्सा आ जाता है बट वो स्टिल सारंग को समझा रहा होता है, बट उसके मन में यही बात चल रही होती है क्या मैं ज़्यादा लालची हो रहा हूँ कि मैं फिर से चाहता हूँ कि मेरे को सारंग इस बार समझे। और सारंग भी गुस्सा कर रही होती है बट उसके मन में भी यही चल रहा होता है क्या मैं ज़्यादा लालची हो रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि इस टाइम मेरी ज़्यादा केयर करे। एंड गुस्से से दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और यहाँ सारंग घर जाते ही काफ़ी रो रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है एंड उसके फ्रेंड यून वहाँ पर होती है और इतने में वहाँ पर वॉन भी आ जाता है और सारंग वहाँ पर काफ़ी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन और एकदम सैड हुई पड़ी होती है कि हद है कि किम को उस सिचुएशन में भी उस बिल्ली की पड़ी हुई थी। एंड वो किम को सोच सोच कर काफ़ी रोने लग जाती है, काफ़ी ओवर ड्रिंक करने लग जाती है एंड उसको रोते हुए देखकर वॉन को भी बहुत बुरा फील होने लग जाता है एंड वो भी काफ़ी ड्रिंक करने लग जाता है।
क्यों, वोन से सारंग का रोना देखा नहीं जा रहा था और यहाँ पर सारंग काफ़ी ड्रंक हो गई थी एंड वोन उसको संभालते हुए उसको उसके रूम तक लाता है और उसको उसके बेड पे सुला देता है। देन उसे देखने लग जाता है, देन एक स्टिकी नोट चिपका कर फ्रिज में उसके लिए खाना रख के वहाँ से जा रहा होता है। बट इतने में नज़र वहाँ रखे पेन पे जाती है और स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है। एक्चुअली वोन सारंग को बचपन से ही लाइक करने लग गया था, पता नहीं कैसे और क्यों, और ये बात वोन कभी सारंग को बता नहीं पाया। और किम भी वोन का बेस्ट फ्रेंड था और किम और सारंग की फ्रेंडशिप भी वोन ने ही करवाई थी। यार मेरे को सेकंड मेन लीड के लिए ना दिल से बुरा फील होता है। देख वोन सारंग को पसंद करता था बट स्टिल उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंडशिप सारंग से करवा दी, हद है मतलब। तभी यादों से उभर कर वोन जैसे ही वहाँ से जाने लग जाता है बट इतने में वहाँ किम की एंट्री हो जाती है एंड किम वहाँ वोन को देख कर ज़्यादा शॉक नहीं होता बिकॉज उसको अपने फ्रेंड पर यकीन होता है और उसे पता होता है कि वो सारंग का बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे समझ आ जाता है कि सारंग ने काफ़ी ड्रिंक कर ली होगी। एंड इतने में वहाँ से वोन चला जाता है एंड किम टेबल पर वो स्टिकी नोट देखता है और फ्रिज पे खाना देखता है और इतनी एक्स्ट्रा केयर देख कर उसको एकदम से वोन पर शक क्या यकीन ही हो जाता है कि वो भी सारंग को पसंद करता है। उसी टाइम वो गुस्से से फोन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है एंड दोनों साथ में बैठे होते हैं और दोनों के दिल में अलग कशमकश चल रही होती है। और यहाँ किम फोन को कन्फ्रंट नहीं करता बट स्टिल उससे बातें करते हैं। हाँ तुम सारंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो कि जब मैं आसपास नहीं होता हूँ, एंड उसके दिल में यही चल रहा होता है कि वोन तो हमेशा उसका फ्रेंड ही बन के रहना, इससे ज़्यादा कभी कुछ मत करना। एंड यहाँ पर वोन के दिल में यही चल रहा होता है कि क्या मैं हमेशा उसका फ्रेंड बन कर रह सकता हूँ, बट वो किम के सामने यही बोलता है हाँ बिकॉज तुम दोनों ही मेरे फ्रेंड हो इसीलिए मैं उसकी केयर करता हूँ। मतलब कि यहाँ पर उन दोनों में इस टाइम ये माहौल होता है कि नज़रें कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कह रहा है, जुबान पे कुछ और चल रहा है। नेक्स्ट बिल्ली किम के पास आकर उससे काफ़ी फ्रैंक होने लग जाती है, उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। पर यहाँ किम फर्स्ट टाइम गुस्से से बिल्ली को बोल देता है कि मेरा हाथ छोड़ दे, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड फिर से मिसअंडरस्टैंड करे। यहाँ हमारी मैडम सारंग की आंखें दोपहर के 1 बजे खुलती है और वो एकदम से उनको उठाने लग जाती है कि बेवकूफ़ लड़की उठ, 12:30 बजे तेरा प्रेजेंटेशन था जो मिस हो गया है। और ये सुनकर यून एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और यहाँ पर फोन उन दोनों को सुनाने लग जाता है, स्पेशली यून को, नहीं किसने बोला था तेरे को रात को इतना ड्रिंक करने के लिए। सारंग उन दोनों को लड़ने से रोकती कि तुम दोनों हमेशा ही लड़ते रहते हो कि चुप हो जाओ। देन सब भी साथ मिलकर लंच में जाने का प्लान बना रहे होते हैं बट इतने में वहाँ पर किम आ जाता है और वहाँ से यून वोन को लेके चली जाती है, उन दोनों को अकेला छोड़ देती है ताकि वो दोनों बात कर सकें। देन किम सारंग को अकेले में ले जाकर बात कर रहा होता है और उसे एकदम से नॉर्मली बात कर रहा होता है कि चल लंच करने चलते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, रात को इतनी बड़ी बात हुई ना हो। बट सारंग उसको फिर से पूछने लग जाते हैं कि हद है, एक लंच करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। ये सुनकर किम एकदम से सारंग पर गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तेरे को सॉरी बोला है ना और मैंने तेरे को सारी की सारी सिचुएशन समझाई है फिर भी तू गुस्सा करी जा रही है, लाइक हद होती है। जिस पर सारंग उसको बोलती है अच्छा तो सॉरी बोल रहे थे, उसको इन भी करता है। और रही बात मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो फ्यूचर में है ना और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, मैं वेट करती रहूँगी, इससे बेटर है तो बिजी है ना तो अच्छे से बिजी रहे, और जो मैंने कल तेरे को बोला था उसका मतलब ये था हमें ब्रेकअप, ना बोलकर सारंग वहाँ से चली जाती है। कर सारंग इतनी सैड होती है कि पहले तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यून को कॉल करती है बट यून उसको बताती है कि वो अपनी क्रश के साथ बाहर पढ़ने जा रही है इसलिए वो तो नहीं आ सकती। देन सारंग अपने बेस्ट फ्रेंड वोन को कॉल करती है जो उसकी एक कॉल पर उससे मिलने आ जाता है उसके साथ डिनर करने के लिए। पर सारंग बातों बातों में घूम फिर कर किम की बात पर ही आ जाती है और वो उनको बोलने लग जाती है कि स्कूल टाइम कितना बेस्ट था कि तूने ही किम को मुझसे मिलाया था। बट बातों बातों में सारंग एकदम से रोने लग जाती है और वो उनको बुरा बोलने लग जाती है कि तुम लिटरली बहुत बुरे हो कि तुमने मेरे को किम से मिलाया और अब मैं रो रही हूँ। सारंग को फ्रस्ट्रेट और रोता हुआ देख कर वोन भी उसकी सारी बातें सुन लेता है बिना कुछ जवाब दिए और उसको बोलता है कि चल बाहर चलते हैं घूमने के लिए। जाकर भी सारंग स्टिल रोने लग जाती है बिकॉज उसको अपने ब्रेकअप का काफ़ी दर्द फील हो रहा था एंड वो बार बार वोन से पूछने लग जाती है कि किम ठीक होगा ना, कि वो इस टाइम ठीक फील कर रहा होगा। जिससे एक से सुनकर वोन एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एकदम से वो सारंग को बोलता है कि उसके बारे में मत सोचती रहे, वो ढक्कन जैसे के बारे में, उसके बारे में सोच के मत रहे, अपना सोच। और ब्रेकअप करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, ये बहुत नेचुरल है, होता रहता है। यहाँ हमारा किम भी पूरा देदास मूड में होता है और वो सारंग के साथ अपनी फोटोज़ देखकर काफ़ी रो रहा होता है और उसको काफ़ी वो टाइम याद आता है कि हमेशा वो सारंग को छोड़कर अपने एकेडमी वर्क के लिए चला जाता था और सारंग हमेशा उसका वेट करती रहती थी। इस बात को सोच सोच कर किम को काफ़ी रोना आ रहा होता है। सारंग रोकर एकदम अच्छा फील कर रही होती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड वोन को थैंक यू बोलती है कि वो इस टाइम पे उसे मिलने आया और वोन को भी समझ आ जाता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था इसलिए सारंग ने उसको कॉल करा। फिर बातों बातों में सारंग वोन से पूछती है कि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी या है बताए। जिस पर वोन सारंग की तरफ देखते हुए इनडायरेक्ट अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, पर जब तक कोई लड़की तेरे से बिल्कुल अपोजिट हो, लाइक उसकी आदतें तो उससे अपोजिट हो, वो दिखती तो उससे अपोजिट हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। लाइक वो इनडायरेक्ट वे से सारंग को कन्फेस कर देता है और अपने दिल में ही सोच रहा होता है कि मैंने तो कन्फेस कर दिया, बाकी ये समझे ना समझे काफ़ी है।
फोन वहाँ से जाने लग जाता है और साथ में सारंग को बोलता है ओ रोंद लो बच्चे हो गया हो तो तू भी चल। एंड देन सारंग को वो उसके हॉस्टल छोड़कर वहाँ से जा ही रहा होता है, बट इतने में वहाँ उसे किम आवाज़ मारता है एंड दोनों साथ में फिर बार में होते हैं। किम भी फोन को बता देता है कि हाँ मेरे को पता है कि तू सारंग को पसंद करता है और मैं तेरे को हेट करता हूँ, और फोन भी सेम ही लाइन बोलता है हाँ मैं भी तेरे को हेट करता हूँ। एटलीस्ट इस सारंग के टॉपिक से दोनों दोस्तों में ना लड़ाई होती है ना कुछ, और दोनों दोस्त साथ में बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। बिल्ली किम के पास आती है और उसे फिर फ्रैंक होने लग जाते हैं। यहाँ पर किम उसको डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाँ मुझे तो लाइक करती है बट मैं स्टिल अभी भी सारंग को पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर बिल्ली चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। यून अपने दोनों फ्रेंड फोन और सारंग को ये बता रही थी कि कल वो अपने क्रश के सामने गई थी और उसने उसके मुंह पर ही फाट कर दिया, और इस बात से वो काफ़ी एम्बैरस फील कर रही है और बता रही होती है कि उस टाइम अपने पेट को कंट्रोल ही नहीं कर पाई मैं क्या करूं। और इस बात से सारंग और फोन यून का बहुत मजाक बना रहे होते हैं। हमें वहाँ पर केम आ जाता है सारंग से बात करने के लिए, ये देखकर वोन यून को वहाँ से लेके चले जाता है। यार मेरे को वोन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है बिकॉज वो दिल ही दिल में चाहता है कि सारंग उसको बी एफ बनने के लिए पूछे, बट स्टिल किम बीच में आ रहा है। हाँ किम और सारंग अकेले बैठकर बात करने लग जाते हैं और किम साफ साफ शब्दों में सारंग को बोल देता है कि नहीं मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ और मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ ब्रेकअप के लिए बिल्कुल भी नहीं। बट सारंग उसको समझाती है कि वेट करना किसी का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता, तो जस्ट बिजी हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं सच्ची में तेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी। रंग किम को इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है कि एक बात के पीछे मत पड़ा रहा है, इस बात को एक्सेप्ट करके ब्रेकअप हो गया। इतना बोलकर मतलब सारंग वहाँ से जाने लग जाती है, बट किम उसका हाथ पकड़ लेता है और लिटरली वहाँ पर रोने लग जाता है। तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो प्लीज़ ये ब्रेकअप ना करे, कि वो लिटरली सारंग को बहुत पसंद करता है, बट सारंग भी अपना मन बना चुकी थी एंड वो किम को समझा कर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते भी सारंग के दिल में यही बातें चल रही होती है कि सारंग का दिल अभी भी किम को देखकर एकदम से धड़कता है, मतलब उसके दिल में अभी भी किम के लिए फीलिंग्स है और ये बात उसको बहुत बुरी लगती है और यही बात उसको बहुत सैड फील करवा देती है कि वो अभी तक किम को पसंद करती है। सारंग जितना जल्दी हो इस फीलिंग से एकदम से निकलना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और यहाँ यून सारंग को बुलाती है उसे मिलने के लिए। किम भी धीरे धीरे मूव ऑन होने लग जाता है और यहाँ वोन भी सारंग को भूलने लग जाता है लाइक एज अ क्रश। और ख़त्म होते होते इस ड्रामा में लास्ट में ये मैसेज दिया जाता है, सभी के सभी एकदम अनाड़ी जैसे हैं चाहे हम बड़े भी हो गए हैं, कुछ फैमिलियर चीज़ें अनफैमिलियर हो गई है और कुछ अनफैमिलियर चीज़ें फैमिलियर हो गई हैं। एट लास्ट अपने प्यार से दूर होना भी एक प्यार का ही पार्ट है। देखा जाए तो हम सब अनाड़ी हैं, क्या हम किसी और को प्यार कर सकते हैं। और यून को उसके क्रश का मैसेज आ जाता है बैंग, और ये सारा का सारा ड्रामा ख़त्म होता है। एंडिंग आप पर डिसाइड है कि आप इसको कितना पॉजिटिव और कितना बुरे वे में लेके चलते हो। लाइक हाँ मेरे लिए एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट स्टिल अच्छी है। एट लास्ट कोई रो नहीं रहा, सभी अपनी लाइफ में खुश हैं। डोंट फॉरगेट टू स्माइल।